हाई नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल क्वीन ट्रेना। ट्रेडिंग में 90% लॉस इसके लिए जाते हैं प्रॉपर एंट्री और एक्सिट ना मिलने की वजह से। मार्केट यानी कि अप डाउनस होते रहते हैं, पर प्रॉपर यानी कि एंट्री कहाँ से लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सिट वो भी कोई भी मार्केट, जैसे गैप अप हो गया, अप डाउन हो, ट्रेंडी मार्केट, कंसोलिडेट, कोई भी मार्केट में एंट्री कैसे पिक किया जा सकता है, आज की लाइव मार्केट में आपको दिखाती है। इसमें प्रॉपर यानी कि आपको कहाँ से रिवर्स पॉइंट होता है वो भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर तो करेक्टली दिखाता है। तो एग्जाम्पल आज की निफ्टी की लाइव मार्केट ही देखिए, गैप डाउन के साथ आज ओपन हुए थे, सेम उसका उल्टा यानी क्रूड ऑयल देखिए गैप अप में ओपन हुआ था, पर फिर भी वही लेवल में मार्केट ऊपर चल रही है यानी कि चलता जा रहा है। और उसी के अलावा निफ्टी में भी देखिए गैप डाउन के साथ मार्केट थोड़ा पुल बैक ऑब्वियसली ऊपर गए थे, पर मार्केट फिलहाल प्रॉपर डाउन ही था, पर करेक्टली यहाँ पे पिक कर पाना हमारे सॉफ्टवेयर तो आसान है। कैसे करते हैं, कैसे लाइव मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना चाहिए वो सारा जानकारी आज के लाइव परफॉर्मेंस में, आज के लाइव मार्केट में आपको दिखा रही। इसमें प्रीवियस परफॉर्मेंस की वाइज भी मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, आप थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी आपको होगी। यानी कि आज के बैंक निफ्टी के थ्रू, बैंक निफ्टी की ट्रेड थ्रू आज देखूंगी तो गैप डाउन मार्केट ओपन हुए थे, मार्केट थोड़ा पुल बैक होने के बाद ही मार्केट वही लेवल में पकड़ा था, यानी कि वही लेवल नीचे चलता जा रहा था। पर हम कभी कभी जो मार्केट गैप डाउन में सीधा नीचे गिरते भी, ऐसे मार्केट का एग्जाम्पल देती हूँ। आज की मार्केट देखिए गैप डाउन हुए थे, पर आज मार्केट थोड़ा पुल बैक होने के बाद ही नीचे गिर गए थे, पर उसका उल्टा दो दिन तीन दिन की पहले की मार्केट में आपको देती हूँ। यहाँ पे देखिए गैप अप के साथ ओपन होने के बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस तोड़ा है, पर ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। उसके पहले की मार्केट देखिए गैप डाउन में ओपन होने के बाद यहाँ पे भी मार्केट नीचे गिर गए थे, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट हासिल हुआ है, पर ये सेकेंड कैंडल में एंट्री हमने लिया था, पर यहाँ पे भी हमने लिया था। पर आज की मार्केट देखिए, आज की मार्केट के थ्रू देखूंगी तो हमारे प्रॉफिट बिल्कुल यानी कि पुल बैक होने के बाद ही नीचे आए थे। ये डिफरेंस किस तरह हमको पहचान के थोड़ा प्रॉपर एंट्री की तरफ हम यानी कि लेके जा सकते हैं आज के लाइव में मैं दिखाती हूँ। किसी को लाइव परफॉर्मेंस हमारे थ्रू परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मेरा नंबर पे सीमा कृष्णा 81390999। ये हमारा आज ही यानी कि लाइव पर हम डेली यूट्यूब चैनल में 5 बजे अपडेट करते रहते हो। किसी को डेमो लेना है हमारा सॉफ्टवेयर क्वीन ट्रेडर की, लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करना है, मुझे कॉल करना होगा, मैं आपको गाइड करूँगी कैसे हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के थ्रू समझाती हूँ, उसके बाद बैंक निफ्टी लेती हूँ। निफ्टी देखिए आज की सिग्नल यानी कि मॉर्निंग में लगभग 9:20 में सॉफ्टवेयर ने सिग्नल दिया था, उसके एंट्री पॉइंट ऊपर लिख रहा है टारगेट्स। हमेशा गैप अप और गैप डाउन में मैं ओपन होते ना हमेशा मैंने बताया था कैंडल कलर रेड में बनना चाहिए, नीचे भी रेड में बनना चाहिए, सेल जोन भी बनना चाहिए, और उसी के अलावा गैप डाउन के बाद सपोर्ट भी तोड़ना चाहिए। कभी कभी जो पोजीशन में गैप डाउन ओपन होते हैं मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है, कभी कभी जो पोजीशन वही लेवल में मार्केट वही लेवल में यानी कि नीचे या आगे जाता है, पर वो लेवल पकड़ने के लिए हमेशा आपको रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस रेड कलर के स्टार और सपोर्ट ब्लू कलर के स्टार, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एंट्री लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। कभी कभी जो क्वेश्चन में मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करते हैं मार्केट नीचे गिर जाता है, एग्जाम्पल मैं बैंक निफ्टी में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो कौन सी मार्केट में नीचे, सबसे नीचे 27 सितंबर की यानी कि मार्केट है, सेम मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद कंफर्मेशन पूरा हुआ था, सपोर्ट भी तोड़ के एकदम नीचे गिर गए थे, वही लेवल में हमारे तीनों टारगेट अचीव होके काफ़ी प्रॉफिट हमने मॉर्निंग में ही हासिल किया है। पर आज की मार्केट उल्टा देखिए, आज यानी कि मार्केट पुल बैक गए थे तो पुल बैक होने के बाद ही सपोर्ट तोड़ दिए थे, तो इसके लिए हमेशा कंफर्मेशन के बाद सपोर्ट या रेसिस्टेंस कहाँ से पहले सपोर्ट ब्रेक होता है या पहले रेसिस्टेंस ब्रेक होता है वो पॉइंट में एंट्री लीजिएगा, वो पॉइंट में एक्यूरेसी बनती है। तो हमेशा पुल बैक जाने का चांस नहीं, कभी कभी जो पुल बैक आने के बाद ही आते वो लेवल पकड़ने के लिए हमारा रेसिस्टेंस या पहली रेसिस्टेंस या सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक होता है वो पॉइंट पकड़ेगा, वो पॉइंट एक्यूरेसी बनती है। ओके, सादा ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सादा ओपनिंग में यानी कि सिग्नल कन्फर्म हो तो वहाँ से नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, वहाँ से ऊपर जाने का चांस आगे है। तो आज की गैप डाउन और गैप अप मार्केट हमेशा ये नोटिस कीजिए। तो कल आज की मार्केट देखूंगी तो निफ्टी गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर वही लेवल में बहुत देर तक चलने के बाद ही प्रॉपर ब्रेकआउट हुए थे। टोटली देखूंगी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर मार्केट गई नहीं हो, पर थोड़ा सा स्कैल्पिंग की एंट्री आप लेते तो आपको 1 मिनट के थ्रू आप ट्रेड ले सकते थे, वहाँ से छोटा सा एंट्री बन रहा था।
तो टोटल देखूंगी तो आज वन साइड मार्केट था, वन साइड मोमेंट था, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया है। तो ऑप्शन की तो हम लोग देखूंगे तो लगभग हमें 19,700 की पुट ले सकते थे, वो बढ़िया एक्यूरेसी था। तो डायरेक्ट ये वॉच लिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो हमें 8.1 ऑप्शन सेट करना है। तो इसमें देखूंगी तो मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुए थे, वही लेवल में सॉफ्ट ने बाई एंट्री दिया था 169 पे, वहाँ से सीधा मार्केट 216 तक गए थे। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट ये लेवल में हासिल किया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हमें वही लेवल में मिला है। निफ्टी में सिकल कन्फर्म्ड हो, दोबारा आपको प्रीमियम चार्ट आपको देख के वहाँ से कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी में डायरेक्ट कन्फर्म्ड है तो वहाँ से तुरंत ट्रेड ले लेना, फिर से आपको अगेन प्रीमियम चार्ट में कन्फर्म नहीं लेना है, डायरेक्ट आप ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके अलावा आपको जज की डॉक्टर रेड्डी की परफॉर्मेंस भी देख लीजिएगा, तो मॉर्निंग में एक सेल दिया था वो कन्फर्म नहीं था, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैंडल भी वहाँ पे यानी कि रेड नहीं कैंडल रेड थे, पर फिर भी नीचे रेड नहीं बने थे, सिग्नल आए थे यहाँ पे कैंडल तो रेड थे नीचे, वहाँ से रेड नहीं बने थे। और यहाँ पे बाई दिया था, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडल तो ग्रीन था, नीचे भी ऑलरेडी पहले ग्रीन चल रहा था, तो यहाँ पे इसके लिए कन्फर्म थे, रेसिस्टेंस भी तोड़ के ही ऊपर गए थे, तो वहाँ से ऑलरेडी आपको ले सकते थे, सीधा ऊपर गए थे, यहाँ पे साइडवे हुआ था, उसके बाद ही मार्केट सेल की तरफ मुड़े थे। तो आपको मार्केट रिवर्स होने के पहले से थोड़ा सा इंडिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू साइडवे थ्रू देगा, तो रिवर्स जाने के पहले की पॉइंट आपको पकड़ना काफ़ी ईजी है, काफ़ी आप ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह आप समझ सकते हैं मार्केट के अपडाउन के बाद रिवर्स कौन से पॉइंट में होता है। इसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर की इंडिकेशन के हिसाब से वहाँ से साइडवे इंडिकेशन यानी कि कलर चेंजेस के हिसाब से वहाँ से हम मेंशन करके देते हैं, काफ़ी इसी तरीके से समझना आपको यानी कि आसानी तरीके से आपको समझने में आ जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू। तो उसी के अलावा क्रूड ऑयल की आज के देखें कि आपके साथ मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा पुल बैक आने के बाद यहाँ पे बाई दिया था, अभी कन्फर्म्ड है, यहाँ से आपको सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में ही ले सकते थे, यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ गए थे, सिग्नल तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सेल कन्फर्म नहीं था, मार्केट यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे, 7102 में एंट्री ले सकते थे, वहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मार्केट ऊपर जा ही रही हूँ, आराम से एंट्री ले सकते, अभी रेसिस्टेंस तोड़ेगा सीधा ऊपर जाएगा, सेल बीच में दिया था, थोड़ा पुल बैक थे, वहाँ से कन्फर्म नहीं बने थे, नीचे देखूंगी तो कल से ही एक्चुअली बाय ट्रेंड चालू है, बाय से सेल में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। तो आराम से आपको गैप अप मार्केट ओपन होते हैं ना, हमेशा रेसिस्टेंस भी तोड़ेगा तो वो इन एंट्री लेना, वो पॉइंट में एक्यूरेसी बनती है, उसके अलावा आप ट्रेड यानी कि पोर्शन गैप अप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। काफ़ी ईजी है सॉफ्टवेयर की यानी कि थ्रू कन्फर्म करके ट्रेड लेना, रिवर्सल इंडिफिकेशन करेक्टली आपको पकड़ना हमारे सॉफ्टवेयर थ्रू बहुत आसान है, किसी को डेमो चाहिए, हमारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट कैसे वर्कआउट करते हैं वो लाइव में आपको परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो बिना टाइम गवाए कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मेरा नंबर पे सीमा कृष्णा 8139 0994। डेली का 5 बजे का वीडियो हम अपडेट करते रहते हो, ऐसे ही परफॉर्मेंस के साथ हमारे साथ और जुड़ते रहिएगा, यानी कि आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो कोई भी डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।